आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितेशी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं और फिर आप गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो। चलो पंजाब में बोलिए प्रधानमंत्री, आप जाकर बोलिए पंजाब में, सिखों से बोलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता। और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को।